हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश के उद्योग को लेकर के आए हैं। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में बताएंगे। सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न एक दो आ ही जाते हैं, तो उसको हम आज पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। और कल मेरा उत्तर प्रदेश स्पेशल को आखिरी वीडियो होगा, जिसमें हम उत्तर प्रदेश स्पेशल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि परीक्षा के सिर्फ 3-4 दिन ही बचे हुए हैं, तो उसको लेकर के जल्दी जल्दी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों से। औद्योगिक संस्थानों के बाद हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से उद्योग किन किन जिलों में प्रचलन में हैं, मतलब कहाँ कहाँ कौन से उद्योग होते हैं, उनको मैं बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे औद्योगिक संस्थानों से। औद्योगिक संस्थानों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले औद्योगिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ जिसको बोलते हैं यूपी का, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1952 में की गई थी। कब? 1952 में। इसको याद रखिएगा, यूपी का 1952। यह पूछा जाता है मिलाने के लिए, कब का है यूपी का स्थापना की गई थी? दरअसल प्रदेश में बुनकर समितियों के विकास कार्यों में योगदान के लिए, बुनकर समितियों के विकास कार्यों में योगदान देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं किस लिए किया गया था, लेकिन याद रखिएगा 1952 यूपी का 1952। फिर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1954 को की गई थी। 1 नवंबर 1954, ये भी याद रखिएगा। 1 नवंबर 1954 को कहाँ? कानपुर में की गई थी। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? देखिए, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देने के लिए की गई थी। दीर्घकालीन ऋण है, इसको याद रखेगा, इसकी स्थापना की गई थी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम जिसे पिकअप कहते हैं, लखनऊ के जो रहने वाले होंगे पिकअप भवन से परिचित होंगे, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। 1972 में है, कहाँ? लखनऊ में है। नेक्स्ट देखिए, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? वृहद एवं मध्यम उद्योगों को औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए दीर्घकालिक ऋण देना था। ये भी क्या? दीर्घकालिक ऋण देता है पिकअप भवन, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी पिकअप की। याद रखिएगा, पिकअप कब का? 1972, और वित्तीय निगम 1954 का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अगर जो हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो है, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, इसमें इतना याद रखेगा 1999 का है, और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का कानपुर में स्थापना मार्च 1961 में की गई थी। ये भी याद रखेगा, मार्च 1961। फिर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई? 1958 में है, कहाँ? कानपुर में। लघु उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनके विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, लघु उद्योगों के विकास के लिए ही कह सकते हैं, विकास से उनकी आवश्यकताओं जो होंगी उनकी पूर्ति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। फिर है राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, इसको भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 22 फरवरी 1974 को। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं, तो उनको हम देखते हैं। आप लोग पढ़े होंगे नोएडा, गीडा, लखनऊ में लीडा, इस तरीके से आते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से। दरअसल औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने के लिए सर्वप्रथम नोएडा में इसकी स्थापना की गई थी। तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना सर्वप्रथम कब? नोएडा में 1976 में की गई थी। नोएडा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा का फुल फॉर्म है। इसी की तर्ज पर देखें तो लखनऊ में, जौनपुर में सीडा, सीडा मतलब सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, या कहें सहतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कब? 1989 में। इसकी डेट आप याद रखिएगा, बाकी नोएडा की याद करिए, बाकी के इम्पोर्टेंट नहीं है। उसी की तर्ज पर लखनऊ, सॉरी गोरखपुर में गीडा, गोरखपुर में गीडा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण मतलब गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको याद रखिएगा। फिर लखनऊ में लीडा, लखनऊ में लीडा को अगर हम देखें तो लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ में लीडा याद रखिएगा, गोरखपुर में गीडा है। फिर हम आते हैं प्रमुख उद्योगों पे, कौन कौन से उद्योग हैं, उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें उद्योग में, तो सबसे पहले आता है कागज़ या लुगदी उद्योग, कागज़ लुगदी उद्योग कहाँ? सहारनपुर में होता है। कागज़ के लिए कौन? सहारनपुर जाना जाता है। फिर कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद की फेमस हैं, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ। दिया सलाई उद्योग बरेली, सुरमा उद्योग बरेली, नाम बड़ा फेमस है बरेली का सुरमा। फिर पीतल के बर्तन मुरादाबाद, पीतल के बर्तन कहाँ? मुरादाबाद के हैं। फिर कैंची उद्योग कहाँ? मेरठ में, ये भी याद रखिएगा। ताला उद्योग अलीगढ़, अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है। फिर चाकू उद्योग रामपुर, रामपुर या चाकू नाम सुना ही होगा।
फिर टेराकोटा उद्योग गोरखपुर में होता है, फिर बेंत व छड़ी उसके लिए बरेली फेमस है। फिर हम आते हैं नीचे प्लाईवुड उद्योग में हम देखेंगे तो नजीबाबाद बिजनौर का नजीबाबाद फेमस है और सीतापुर दोनों फेमस हैं। फिर खेल का सामान अगर जो हम देखें मेरठ और आगरा, अगर जो ऑप्शन में मेरठ दिया हुआ है तो आप आगरा नहीं लगाएंगे, अगर जो उपयुक्त दोनों है तो दोनों सही है, नहीं तो मेरठ आगरा अलग अलग है तो आप मेरठ ही लगाइएगा, खेल का सामान मेरठ ज़्यादा फेमस है। फिर आइए देखते हैं कालीन उद्योग कहाँ की है, भदोही याद रखिएगा भदोही में। फिर चमड़ा उद्योग कानपुर और आगरा दोनों जगह होता है चमड़ा उद्योग। फिर पीतल की मूर्ति मथुरा। फिर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ, नैनी में और रायबरेली में दोनों जगह। फिर सॉफ्टवेयर उद्योग कहाँ, नोएडा में। इत्र व सुगंधित तेल कन्नौज और गाजीपुर में, कन्नौज ज़्यादा फेमस इसको याद रखेगा। फिर मिट्टी के बर्तन कहाँ, खुर्जा कहाँ, बुलंदशहर में है। फिर देखिए काष्ठ नक्काशी किसके लिए, बरेली में है, काष्ठ नक्काशी बरेली जाना जाता है। फिर काष्ठ पादुका मतलब खिड़ाऊ के लिए पीलीभीत प्रसिद्ध है। फिर फर्नीचर के लिए भी बरेली है, इनको याद रखिएगा आप। फिर देखिए गाड़ियों के टायर व रबड़ उद्योग मोदी नगर मतलब गाजियाबाद का मोदी नगर। फिर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। फिर छपाई कारखाना फरुखाबाद। विस्फोटक कानपुर के फेमस हैं, ये भी याद रखिएगा विस्फोटक कानपुर। फिर देखिए कृत्रिम रबड़ कारखाना को अगर जो हम देखें तो बरेली है। फिर लकड़ी पर नक्काशी के लिए नगीना फेमस है सहारनपुर का। फिर मार्बल उद्योग के लिए आगरा है, कागज़ उद्योग के लिए सहारनपुर मैं पहले बता चुका हूँ। फिर पॉली फाइबर के लिए बाराबंकी फेमस है, बाराबंकी इसको याद रखिएगा। तेल शोधन कारखाना के लिए मथुरा फेमस है। फिर बीड़ी के लिए मिर्ज़ापुर फेमस है, ये भी याद रखिएगा बीड़ी मिर्ज़ापुर। फिर देखिए उर्वरक के कुछ कारखाने दिए हुए हैं, यूरिया उर्वरक कारखाना मतलब इफ़को का कहाँ की, फूलपुर इलाहाबाद में है, इफ़को फूलपुर इलाहाबाद। फिर यूरिया उर्वरक कारखाना शक्तिमान तो इसको देखेंगे तो जगदीशपुर कहाँ, अमेठी में है, इसको याद रखिएगा। फिर यूरिया उर्वरक कारखाना FCI गोरखपुर में वर्तमान में क्या बंद हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। फिर हम देखें कुछ प्रमुख फैक्ट्रियाँ उनको देख लेते हैं, मतलब कंपनियों को हम देख लेते हैं। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडालको कहाँ है, रेणुकूट सोनभद्र में है, ये भी याद रखेगा। और चुरकडल्ला भी फेमस है किसके लिए, सीमेंट उद्योग के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है, ये भी याद रखेगा। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ और कानपुर दोनों जगह, मतलब HAL कहाँ है, लखनऊ और कानपुर दो जगह है। फिर नेक्स्ट है कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ होता है, कानपुर में। फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मतलब भेल कहाँ है, झांसी में है, वाराणसी में, जगदीशपुर में है, इतने याद, जगदीशपुर मतलब अमेठी में है, इतने याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं मतलब कुछ और हैं उनको देख लेते हैं कपड़ों से संबंधित। सिल्क साड़ियाँ कहाँ होती हैं, बनारस में होती हैं, सिल्क साड़ियाँ बनारस की फेमस हैं मतलब कि रेशमी साड़ियाँ। फिर दरी जो बिछाई जाती है कहाँ, सीतापुर की फेमस है। फिर टेरी टावल कहाँ के, गाज़ियाबाद की। फिर जरी दरजोदी या कहाँ, रामपुर की। जरी दर दोजी कहाँ की, रामपुर की। फिर चिकन कपड़ा याद रखेगा लखनऊ का फेमस है। फिर एक कालीन कहाँ की, भदोही की फेमस है बता चुके हैं। कंबल नजीबाबाद कहाँ पे, बिजनौर में होता है। और फिर है कि लावड़ में है, ये भी मेरठ में ही पड़ता है। उद्योग से संबंधित इतने ही प्रश्न आते हैं, इनको याद रखेगा और बाकी की चीज़ें मैं जल्दी जल्दी कल ख़त्म कर दूँगा। अभी बाकी है मुझे प्रमुख मेले और मेलों के बाद जनजातियाँ, बस उत्तर प्रदेश स्पेशल की ख़त्म हो जाएगा। आपको बस रिवीजन करना है, करीब 16 वीडियो हो जाएंगे, 15वां वीडियो होगा और इसको जल्दी जल्दी आप लोग पढ़िएगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि लोग देख लेते हैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते। लाइक डिसलाइक जो करना होगा ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम तक एक करंट अफेयर का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।